दोस्तों, सऊदी अरब में चांद के हवाले से अहम तरीन खबर निकल कर सामने आ चुकी है। ऐसी वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब महकमा फलकियात को चांद की शहादतें मसूल हो चुकी हैं। ये चांद सऊदी अरब के कुछ इलाकों में देखा गया है। दोस्तों, ये सारी तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। सऊदी अरब में ईद होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ ईद होगी या अकेले अकेले होगी, तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर की जाएंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, सऊदी अरब महकमा फलकियात ने चांद के हवाले से अहम तरीन खबर का ऐलान कर दिया, आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, सऊदी महकमा फलकियात का कहना है सऊदी अरब के कई शहरों में चांद की शहादतें तो मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन वो चंद एक इलाके हैं। सऊदी अरब में कल ईद होगी या नहीं होगी, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक जल्द पहुँच सके। सऊदी अरब के एक दो शहरों में सिर्फ चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं, इसकी वजह से सऊदी अरब में कल ईद नहीं मनाई जाएगी। सऊदी अरब के एक दो शहरों में शहादतें मौसूल हुई हैं। सऊदी महकमे फलकियात का कहना है कि एक दो शहरों की वजह से ईद का इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद एक ही दिन मनाई जाएगी। इस साल 29 रोज़े होंगे, ये हतमी फैसला हो गया है।